तुम व्लॉग देख रहे हो नहीं देख रहे हो मेरे आजकल? हाँ देखता हूँ। ये जनता ढाबा है जो कि रिलायंस पेट्रोल टंकी के। सो फाइनली हमारा खाना भाग डाले भाग भाग भैया, ये पकी ना है आज। अपन ताप रहे हैं यहाँ पे, धुआं आंखों में जाता है यार। जहाँ भी जिस साइड बैठो उसी तरफ धुआं जाता है यार। ये यहाँ पे हमारा एग रोल बन रहा है। ये अंडों की दुकान पे जाड़ों में ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये हमारा रोल निकल आया पराठा, अभी इस पे जाएगा अंडा। अब ये लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेशन है कैसे बोलूँ यार, टनोरिया के सामने। लाइट चली गई ना तभी दिख नहीं रहा होगा आपको सही से। बाकी ये लोकेशन है भाई, बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें। तो भाई फाइनली अपना रोल आ गया, रहता वेट करने के बाद खाते हैं। तो ये देखो बूमर में है और इनके बूमर साथ में ये भी लग गए हैं, क्योंकि साथ में ये भी खा लेते ना तो इनको भी आदत लग गई है हमारी। पार्थ तुम कहाँ गए थे? तुम व्लॉग देख रहे हो नहीं देख रहे हो मेरे आजकल? हाँ देखता हूँ। कौन सा डाला था मैंने कल परसों बताओ, कोई याद है तुम्हें? आपने वो वाले ही ब्लॉग डाल दिया था, इसमें मैं ही खाना लेके थे बैट बॉल खेलने के लिए। हाँ वो वाले भी डाल दिया था आपने, आप प्राइमरी स्कूल में सुबह सुबह थे। हाँ वो वाले भी देख लिया। इतनी रात में बाहर क्यों, क्या कर रहे हो यार? बढ़िया पर दुकान पे फोन लेने गए। अच्छा ठीक है जाओ। हाँ ठीक है, ब्लॉग देखते रहना ऐसे ही। अपन को आज बाहर खाना खाना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं मैं ब्लॉग करूँ ना करूँ, मेरे को नहीं लगता नहीं करना चाहिए यार, मैं खा लेता हूँ। ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं खाना खाने के लिए जाने के लिए, और मैंने सोचा यार ब्लॉग कर ही लेते हैं क्योंकि घर से पूरी परमिशन है बाहर खाने की, तो चलते हैं ब्रो। तो भाई जैसा मैं बताया था कि घर से परमिशन पूरी पूरी है, बट इतनी परमिशन नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ, बट क्या कर सकते हैं ब्रो, बहुत दिन से आए नहीं थे तो सोचा आप लोगों को दिखा लेता हूँ। और चलते हैं ब्रो यहाँ पे खाना खाने चलते हैं। बाकी देखते हैं भाई, लगता नहीं है मेरे को यहाँ पे चिकन होने वाला है। ये जनता ढाबा है जो कि रिलायंस पेट्रोल टंकी के पास ही में है। सो लेट्स गो। भैया नॉनवेज मिल जाएगा? चिकन मिलेगा। चिकन कर देना भैया एक हाफ प्लेट। ठीक, तो फाइनली यहाँ पे नॉनवेज मिल रहा है, मेरे को लग नहीं था मिल रहा होगा। तो अपनी टेबल पकड़ते हैं, टेबल से तो सब बिजी हैं, हटवाओ यार ये सब क्या है। सो गाइस फाइनली हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ओल्ड वाला है, वो आगे सब नया बन गया है। बाकी जो हम लोग जनता ढाबा जो जानते हैं वो इसी टेबल्स की वजह से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे की हैं। और मेरे से लोग रिलेट कर रहे होंगे, लखीमपुर के लोग जो लड़के हैं थोड़ा मेरी एज के वो रिलेट कर रहे होंगे कि भाई जिसकी भी बर्थडे पार्टी होती है 50-60% लड़का यहीं पे भाई पार्टी देता है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना मिलता है एक नंबर मिलता है और पेट भर जाता है। मेन बात ये कि मतलब आप बहुत अच्छे से खा लेते हो, डिनर खूब तरीके से हो जाता है यहाँ पे। बढ़िया, थोड़ा स्लाइटली कॉस्टली भी है स्लाइटली, तो क्या इट इज़ नॉट अ एवरेज ढाबा। सैलेड देने की प्रथा है हर जगह है भाई, घर पे भले इतना सीरियस ना हो सैलेड को लेके, पर यहाँ ज़रूर सैलेड मिलेगा भाई। सो फाइनली हमारा खाना आ गया है भाई, क्या बात है। सो अभी एक जानने वाले आए, तेरे अकेले आए? हाँ भाई अकेले आए हम। सो खाते हैं ब्रो जल्दी से, टेस्ट करते हैं कैसा है। सो फाइनली टेस्ट करते हैं ब्रो, पहले ऐसे टेस्ट करके देखते हैं भाई, यहाँ का टेस्टी अलग है भाई यार। भाई पहला बाइट खाते हैं, देखते हैं कैसा है।
भाई बीइंग ऑनेस्ट, जो मैं जिस टेस्ट के लिए इसको मतलब जानता था वो टेस्ट अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे भाई यहाँ का जहाँ फ्लेवर होता था बहुत हिट करता था, बट अभी हिट नहीं कर रहा यार, थोड़ा एवरेज साइड में लग रहा है। तो मैं खा लेता हूँ फिर मैं। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं ओयल, और यार अब्बू ने कहा था कि आते वक्त मूँगफली ले आना, फोन करके भाई डांट दिया मेरे को यार, कह रहे कि कहाँ इतने टाइम लगा दिया है, जल्दी लेके आओ मूँगफली। अब हम कह रहे हैं इतना टाइम हो गया ना यार, मेरे को लग रहा है कि शॉप बंद हो गई मूँगफली की यार, बहुत मुश्किल है जो मूँगफली की शॉप खुली हो तो यार चलते हैं, बहुत मुश्किल हो यार मूँगफली लगी हो कहीं, देखते हैं यार। हाँ हाँ लगी है, चलते हैं। फाइनली हमें मूँगफली मिल चुकी है, थैंक यू मूँगफली वाले भैया, भाग डाले भाग भाग। ये क्या है? सो हम नान खड़ा लेने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा ये नान होती है और खटाई है तभी नान खटाई कहते हैं। क्या बात है? जाड़ों में भाई अलग ही मन करता है यार सब गर्म गर्म खाने का। मूँगफली लिए मूँगफली घर वाले खाएंगे, अपन खाएंगे ये नान खटाई। सुनते हो रमेश के पापा, मुझे चाहिए नान खटाई। लाइट आ गई भाई, लाइट अभी चली गई थी। तो ये मेन बस स्टॉप है यार, देखो कितना बढ़िया लग रहा है रात में। वाओ वैसे ये साथ मैदे की बनती है। भाई गजब लग रही है यार, ये पकी नहीं है यार हमको लगा सही से। पकी नहीं है यार भैया, ये पकी ना है यार ये। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यार।